किड्स, आज हम अपना इंग्लिश का चैप्टर 2 रीड करेंगे। हेल्पफुल फ्रेंड्स, हेल्पफुल मतलब जो मददगार फ्रेंड्स होते, दोस्त होते। फ्रेंड्स मीन्स दोस्त। लेट्स रीड। मॉली एंड डेविड आर फ्रेंड्स। दे आर गोइंग टू स्कूल। दे हैव बैग्स ऑन देयर बैक। मॉली हैज अ वाटर बॉटल बट डेविड फॉरगेट्स टू टेक हिज वाटर बॉटल। Molly, do you have any water bottle? David, oh, I forget today. Molly, don't worry, you can use mine. David, did you have your breakfast? Molly, yes, I had. Did you? David, yes, what did you have for breakfast? Molly, I have a sandwich and a glass of milk. David, I have an egg and a glass of milk. Molly and David reached school. The bell rang and the children ran to their class. The teacher came in the class. All the children stood up their places to greet her. Teacher, children, do you have all your notebooks? Children, yes, teacher. Teacher, take out your notebooks, pencil and erasers. Molly to David, do you have an eraser? David, yes, I have. Molly, would you like to share with me? I have lost mine. David, yes, sure. Molly and David noted down the interesting facts about ostrich bird from blackboard. They had a fun with learning in the school. Both friends had enjoyed the day. We have finished our reading and now understand the lesson. अब इस lesson को समझते हैं. Okay? See, this girl is Molly. This is David. They both are kids like you. ये मॉली है और ये डेविड है और ये दोनों आप ही के जैसे बच्चे हैं और ये दोनों क्या हैं? फ्रेंड्स हैं. ओके, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त. इन लोग कहाँ जा रहे हैं? स्कूल में जा रहे हैं और उनके पीछे क्या है? बैग है. ओके, अब मॉली वाटर बॉटल लाती है ना, पर डेविड क्या होता है, वाटर बॉटल भूल जाता है. तो मॉली क्या पूछती है, क्या तुम्हारे पास वाटर बॉटल है? डेविड बोलता है, अरे मैं तो भूल गया. मॉली क्या बोलती है, कोई बात नहीं, मेरा ले लेना, जैसे आप बोलते हो शेयर कर लेना मेरे से, वैसे ही. डेविड फिर क्या बोलता है कि तुमने ब्रेकफास्ट किया? ब्रेकफास्ट क्या होता है, सुबह का नाश्ता आप करते हो ना स्कूल में आने से पहले, वही नाश्ता. तो मॉली बोलती है, हाँ मैंने किया. क्या तुमने किया, डेविड से पूछती है मॉली. तो डेविड क्या बताता है, हाँ मैंने नाश्ता किया है. लेकिन तुमने क्या खाया, डेविड मॉली से पूछता है. मॉली बताती है, उसने आज एक सैंडविच और ग्लास ऑफ मिल्क पिया है. और डेविड बताता है कि उसने एग खाया है और ग्लास ऑफ मिल्क लिया है. मॉली और डेविड स्कूल पहुंचते हैं. बेल रिंग होती है जैसे आपके स्कूल में होती है और सभी बच्चे अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं. तभी टीचर भी आ जाती है और सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं. स्टूड अप मतलब खड़े हो जाना. फिर टीचर को गुड मॉर्निंग टीचर बोलते हैं. फिर टीचर भी बच्चे लोगों को गुड मॉर्निंग बोलती है और पूछती है कि बच्चों क्या आपने सारे अपने नोट्स बुक लाए हैं. बच्चे बोलते हैं, यस टीचर, हम सभी ने अपने बुक्स लाए हैं. तो टीचर बोलती है, टेक आउट योर नोटबुक्स, पेंसिल एंड इरेजर. नोटबुक्स मतलब किताबें, पेंसिल ये वाली पेंसिल एंड इरेजर मतलब आप जिससे मिटाते हो, रब करते हो. ओके, तो टीचर बोलती है तीनों चीज़ों को निकाल लो. मॉली डेविड से पूछती है, क्या तुम्हारे पास इरेजर है, मिटाने वाला रबड़ है? तो डेविड बोलता है, हाँ. मॉली बोलती है, क्या तुम मेरे से शेयर करोगे, मैं आज अपना मेरा वाला घूम गया है. लॉस्ट मतलब घूम जाना. तो डेविड बोलता है, श्योर. मॉली और डेविड
ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एक पक्षी होती है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नोट करते हैं ब्लैक बोर्ड से, और वो बहुत सारी फन करते हैं और साथ में स्कूल में सीखते भी हैं, और दोनों फ्रेंड्स पूरे दिन को एंजॉय करते हैं। ओके, नाउ वोकैबलरी। वोकैबलरी में आपको दो वर्ड्स दिए गए हैं, ग्रीट, ग्रीट मतलब आप जैसे विश करते हो टीचर को सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग टीचर, टीचर भी आपको विश करती है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, ग्रीट करना होता है, सेइंग वर्ड्स टू वेलकम। जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ग्रीट करना चाहिए। इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है, कोई रोचक बातें, मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, है ना, तो उसे अट्रैक्टिव बोलते हैं। ठीक है,